हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स MA EC सेकेंड ईयर का जो सेमेस्टर फोर में आपका ग्रुप बी में क्या कंटेन है, सिलेबस है। ग्रुप बी का टाइटल है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, और इसमें जितने कोर्सेज हैं सारा कंपलसरी है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं मिलेगा, क्योंकि सेमेस्टर फोर में आपको प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट चूज करना है, तो यहाँ पर 20 क्रेडिट ही है। तो इसमें मोटा मोटी जो कोर्स कोड है चार है, MECE 101 इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड, MECE 102 एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड, चार चार क्रेडिट का दोनों है, फिर MECE 104 इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल साइंस 6 क्रेडिट का है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं MECP 101 प्रोजेक्ट वर्क 2, तो टोटल क्रेडिट 20 हुआ। अब हम जानेंगे सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़नी है ये चारों कोर्स कोड के अंतर्गत, यानी स्ट्रक्चर क्या है उस पर हम विचार करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें। चलिए अब आते हैं बैक टू वीडियो। तो पहला है कोर्स कोड MECE 101 इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड, इसमें क्या क्या कंटेन है उस पर हम गौर करते हैं। तो ब्लॉक नंबर वन इंट्रोडक्शन है, जिसमें यूनिट नंबर वन में इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक, यूनिट नंबर टू में रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक, यूनिट नंबर थ्री में रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ब्लॉक नंबर टू है क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल, जिसमें चार यूनिट है, यूनिट नंबर फोर में एस्टीमेशन ऑफ टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल पढ़ना, यूनिट नंबर फाइव में रेजिडुअल एनालिसिस, यूनिट नंबर सिक्स में एस्टीमेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, और यूनिट सेवन में फर्दर इशू ऑन रिग्रेशन मॉडल। उसके बाद ब्लॉक नंबर थ्री में आपको वायलेशन ऑफ बेसिक एजम्पशन, जिसमें यूनिट नंबर एट में पढ़ना है मॉडल स्पेसिफिकेशन इशू, यूनिट नंबर नाइन में ऑटो कोरिलेशन, यूनिट नंबर टेन में मल्टी कोरिलिटी, यूनिट नंबर अलेवन में हिटेरोसिटी, यूनिट नंबर ट्वेल्व में एरर इन वेरिएबल, और यूनिट नंबर थर्टीन में स्टोकास्टिक रिग्रेसर। और ब्लॉक नंबर फोर में एक्सटेंशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल, तो यूनिट नंबर 14 में आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन OLS मॉडल, यूनिट नंबर 15 में क्वालिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल इन OLS मॉडल, और यूनिट नंबर 16 में इंट्रोडक्शन टू सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन किताब है, आप देख सकते हैं, गुजराती का है, मैडाला का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कोर्स कोड होगा चार क्रेडिट का होगा एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड, जिसका कोर्स कोड होगा MECE 102। तो इसमें क्या क्या कंटेन है उस पर गौर करते हैं। तो ब्लॉक नंबर वन में क्वालिटेटिव रिस्पांस मॉडल, जिसमें यूनिट नंबर वन में डिस्क्रिप्ट डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल्स, यूनिट नंबर टू में सेंसर एंड ट्रांकेटेड रिग्रेशन मॉडल, ब्लॉक नंबर टू में डायनेमिक मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल फोर में, ब्लॉक नंबर थर्ड में सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, यूनिट नंबर फाइव में एस्टीमेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यूनिट नंबर सिक्स में इंट्रोडक्शन टू सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, यूनिट नंबर सेवन में एस्टीमेशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ब्लॉक नंबर फोर में टाइम सीरीज मॉडल, जिसमें यूनिट नंबर एट में स्पेसिफिकेशन इशू ऑफ टाइम सीरीज डेटा, यूनिट नंबर नाइन में यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडल, यूनिट नंबर टेन में VAR मॉडल, यूनिट नंबर अलेवन में ARDL मॉडल, यूनिट नंबर ट्वेल्व में मॉडलिंग वोलेटिलिटी, ब्लॉक नंबर फाइव में पैनल डेटा, यूनिट नंबर थर्टीन में इंट्रोडक्शन टू पैनल डेटा मॉडल, यूनिट नंबर 14 में डायनेमिक पैनल
डेटा एनालिसिस एंड ब्लॉक नंबर 8 में फर्दर टॉपिक्स इन इकोनोमेट्री में अप्लाइड डिमांड एनालिसिस यूनिट नंबर 15 में और 16 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू GMM एस्टीमेशन। ठीक है, इसका भी कुछ रिकमेंडेशन किताब है, आप देख सकते हो। उसके बाद MEC E104 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड इन्वायरमेंट 6 क्रेडिट का, इसका सिलेबस वही है जो पेपर 8 सेकेंड ईयर में MEC प्रोग्राम के अंतर्गत था। तो देखते हैं इसमें क्या है। ब्लॉक नंबर 1 में सोसाइटी एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, यूनिट नंबर 1 में सोसाइटी स्टेट मार्केट, यूनिट नंबर 2 में इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, यूनिट नंबर 3 में सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ब्लॉक नंबर 2 में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यूनिट नंबर 4 में पढ़ना डिमांड फॉर एजुकेशनल सर्विस, यूनिट नंबर 5 में सप्लाई फॉर एजुकेशनल सर्विस, यूनिट नंबर 6 में पढ़ना डिटरमिनेंट ऑफ एजुकेशन सर्विस, ब्लॉक नंबर 3 में इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ जिसमें यूनिट नंबर 7 में डिमांड फॉर हेल्थ सर्विस, यूनिट नंबर 8 में सप्लाई फॉर हेल्थ सर्विस, यूनिट नंबर 9 में डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, ब्लॉक नंबर 4 में इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़ना है डिमांड, यूनिट नंबर 10 में डिमांड फॉर नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्स, यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है सप्लाई ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यूनिट नंबर 12 में डिटरमिनेंट ऑफ एनवायरमेंटल सोर्सेस, ब्लॉक नंबर 5 में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनिट नंबर 13 में पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनिट नंबर 14 में ग्रीन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूनिट नंबर 15 में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर 6 में पढ़ना इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी, यूनिट नंबर 16 में एजुकेशन सेक्टर, यूनिट नंबर 17 में हेल्थ सेक्टर, यूनिट नंबर 18 में आपको पढ़ना इन्वायरमेंटल सेक्टर 1, यूनिट नंबर 19 में इन्वायरमेंटल सेक्टर 2। अगर आप एनर्जी और इन्वायरमेंट में स्पेशलाइजेशन करना है तो उसका प्रोजेक्ट जो वर्क होगा उसका कोर्स कोड होगा MEC P101 प्रोजेक्ट वर्क, ये 6 क्रेडिट का होगा। इसको मैं आपको 50 से 60 पेजेस यानी 15,000 से 20,000 वर्ड में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा अंडर द गाइड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आप चूज कर सकते हैं स्टडी सेंटर या कहीं से भी। और पहले तो आपको एक प्रपोजल 5 से 6 पन्ना में लिख के भेजना पड़ेगा इस एड्रेस में, ठीक है, किस टॉपिक पर करना गाइडलाइन है, जिसे एक प्रपोजल आपका होगा 5 से 6 पेज का। ये जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, डेटा सोर्सेस विद वेरिएबल आइडेंटिफाई, मेथोडोलॉजी करना, इसकी क्या लिमिटेशन है और चैप्टर और स्कीम वगैरह का देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करनी पड़ेगी जिस चीज पर करना चाहते हैं। तो ये था सेमेस्टर 4 का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होऊंगा। सी।